वेलकम टू माई चैनल, मेरे चैनल में नहीं, दीदी के चैनल में। तो आप सोच रहे हैं आज सुबह सुबह मैं कहाँ से टपक गई, तो मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शुरुआत कर दूँ आज इनके चैनल का। तो अब आई हैंड ओवर टू हर। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और ऑसम होंगे आप सभी लोग। सो आज हम लोग जाने वाले हैं, अर्पना जाने वाली है आज, क्योंकि कुछ काम था, अर्पना का ऑफिस होने वाला है, तो आज हम उसे छोड़ने आने वाले हैं स्टेशन। उसके पहले हम लोग आज जाने वाले हैं एक घूमने वाली जगह, तो ऑब्वियसली कि डिस्क्रिप्शन में आपको पता लग ही गया होगा। तो मिलते हैं वो घूमने वाली जगह पे, बिकॉज अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइज वी आर रेडी टू गो, सो हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने। सो प्लीज़ आपको दिखाने वाले हम लोग कहाँ घूमने वाले हैं और अर्पना को उसके बाद हम लोग छोड़ेंगे स्टेशन। तो यहाँ पे जो है हमें मिल गई थी बस, तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं 5 cents। तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए नाश्ता वास्ता सब करके, फाइनली हम लोग जो है पहुँच चुके हैं गार्डन ऑफ 5 cents। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्सप्लोर करने के लिए साथ ही साथ। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? मैडम अभी तो शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है, कि शुरुआत विजिट कर रहे हैं। और वैसे तो ये जो 5 cents है मैंने सब बता रहा, पर हम देखो ऐसे ऐसे नहीं आए, हम लोग इतने सारे लोग आए हैं तो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ओह माय गॉड, मींस एंटर करते ही इतने सारे कलरफुल फ्लावर और इतने वैरायटी के फ्लावर, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, इतना सुंदर है यहाँ का व्यू, मैंने कभी सोचा नहीं था। कैसे पपीते जैसा दिखने वाला फल, क्या बता सकते हैं? मुझे तो नहीं पता ये है क्या, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कौन सा फल है। और इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाने वाली बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर सा फ्लावर, आइए वहीं से तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इसके अलावा कौन कौन से फ्लावर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं लोग, ये देखिए ये तो बहुत कॉमन फ्लावर है जो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। और ये पेड़ पे जो व्हाइट कलर का फ्लावर है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हार्ट टचिंग है फ्लावर। आपको फ्लावर की वैरायटी इतनी सारी मिलेगी ना, मजा आ जाएगा, मन खुश हो जाएगा। देखो ये फ्लावर कितनी क्यूट है और वो फ्लावर तो भाई बहुत यूनिक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक अलग सी चीज़, तो चलिए जल्दी आइए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना स्टैचू बने हुए हैं अलग अलग डिफरेंट हाथी का, आप देख सकते हैं एलिफेंट के स्टैचू बने हुए हैं। एलिफेंट स्टैचू तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट इस तरीके का जो स्टैचू है ना, लिटरली मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। साथी आपने देखी होगी मूवी, उसी तरीके के यहाँ पे सात हाथी बने हुए और लिटरली इतना मजा आ रहा है ना इनको देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है ना बहुत अलग से इसका स्टैचू इन्होंने बना रखा है, बहुत सुंदर है ये, बहुत ज्यादा। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा व्यू, जिसमें एक पेड़ में पत्ते ही नहीं है, बट वो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है ये। आपको पता है इस पेड़ में चुड़ैल रहती है गाइस, पता नहीं रहती है या नहीं रहती, पर अभी तो यहाँ पे दो चुड़ैल हैं। हम दोनों चुड़ैल यहाँ पेड़ के इधर उधर घूम रहे हैं, अगर आपको रात में कभी यहाँ पे चुड़ैल दिखे तो हमें जरूर बताएं, वो भी कौन। ये देखिए बहुत ही सुंदर पीसफुल जगह है यहाँ पे, फ्लावर्स प्लस ये लोटस वाला जो यहाँ का वो है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आ रहा है। तो अगर बैकग्राउंड का व्यू अगर इतना अच्छा है ना, तो फोटो तो बनता ही है, तो फोटो हमने बहुत सारी ले ली है। इसके बाद हम आगे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आउटर वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ स्टैचू बने हुए हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसे रीड आउट किया, तो पता चला यहाँ पे ये 5 cents जो है डिफरेंट टाइप के उनके स्टैचू बनाए हुए हैं, जिनके नाम पे इस गार्डन का जो नाम पड़ा है वो है 5 cents ऑफ गार्डन।
तो इसके बाद हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो अब ये जो है डाउनवर्ड के साइड ऐसे रोड टाइप का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जहाँ पे जो है ये कुछ भूल भुलैया टाइप मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टेयर्स से चलते हुए नीचे जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टेयर से चलते हुए जाना। और उसके बाद जो है सपना थोड़ा पीछे छूट गई थी, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिला यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एक ओपन बुक के सामने बैठे हुए हाथ जोड़कर, और ये जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे भी हम घूमने के बाद जो है अच्छी जगह देख के हमने थोड़ा सा रील्स बना लिया। रील्स बनाने के बाद जो है हम आगे चले गए। सो गाइस, हमने थोड़ी सी फोटो शूट्स की और कुछ जो है रील्स बनाए, और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट क्या, यहाँ पे भी फोटो सेशन ही चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सपना और अर्चना अभी बिजी है फोटो शूट करने में ही। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग आधा एक्सप्लोर किए हैं फाइव सेंस। अपने को लग गई कि भूख तो सुबह का बचा हुआ था, उसको अब खा लिए। आई हैव फिल्म मोर मोर फिल्म मोर खा, जैसे खा लो ये इसका फेवरेट साउंड है जो किसी को बदल डालती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्यूटी होने लगती है ताकि कॉपीराइट ना आए मेरे पास। सो गाइस, सपना का फेवरेट ट्यून जो है टिटक टिटक मुंह से निकाल लेती है, मुझे नहीं निकाल रहा है ऐसा कुछ है। देखा साउंड का जो यूट्यूब कॉपीराइट ना आए इसलिए वो मुंह से साउंड दे देती है और उसके बाद ये अपलोड करती है यूट्यूब में। ऐसे तो नहीं होता है, ये शॉर्ट्स का लोगे तैयार। तो यहाँ पे हो गया है हमारे जाने का टाइम, बिकॉज अर्चना को जो है वो जल्दी जाना था स्टेशन। और यहाँ पे जाने के पहले हमने लास्ट मोमेंट में भी हमने जो है कुछ फोटोज जो है क्लिक करवा लिए, बिकॉज यहाँ का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही अच्छा था। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी में थे क्योंकि अर्चना की ट्रेन जो है वो आने वाली थी और हम लोग हो गए थे थोड़ा लेट। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसके पहले एक यहाँ पे जो प्लांट देख रहे हैं उसमें आपको रूट्स ऊपर की ओर दिखाई देंगे और जो लीव्स है वो नीचे की ओर है। तो ये बता दूं कि आर्टिफिशियल जो है फ्लावर था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं मेट्रो का वेट। देन जो है अर्चना को हम लोग अब छोड़ने पहुँच चुके हैं ट्रेन पे और हमने किया अर्चना को अलविदा। तो गैस, हम अर्चना को छोड़ा है स्टेशन और उसके बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पे राजीव चौक। थोड़ा शॉपिंग करना था सपना का, तो अभी आके हमें लग गई थी भूख। देन अभी हम जो है खा रहे हैं कचौड़ी ट्राई। हमने सब्जी भी ले लिया मार्केट में, उसके बाद थक गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, घर के काम हम दोनों ने निपटा लिए थोड़े से। उसके बाद अब जो है हमें सपना दे रही है ट्रीट, तो हम खा रहे हैं सैंडविच सपना के साइड से। सो दिस इज़ वेरी यमी एंड टेस्टी। सो ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो और अब जो है आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।